आपके साथ अनुष्का राय। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। देश भर के ग्रामीण डाक सेवक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के चलते डाक कर्मियों ने उज्जैन मुख्य डाक घर देवास गेट पर सैकड़ों डाक कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हुए धरना दिया और केंद्र सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए धरना देते हुए नारेबाजी भी की। उज्जैन संभागीय सचिव प्रहलाद चावड़ा ने बताया कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में डाक विभाग में सेवा निराकरण के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के साथ अन्याय हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवकों को 4 घंटे का वेतन भत्ता देकर उनसे 8-10 घंटे का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की योजनाओं के साथ साथ IPPB के कार्यों को भी जनमानस तक तत्परता के साथ पहुँचाते हैं। डाक विभाग का 80% से ज़्यादा राजस्व यही ग्रामीण डाक सेवक ही डाक विभाग को देते हैं, परंतु साथ ही सौतेला व्यवहार डाक विभाग द्वारा किया जाता है। 10 घंटे कड़ी मेहनत करके इसको पूर्ण करना होता है, लेकिन सरकार हमें 4 घंटे का ही वेतन भत्ता देती है, स्थायी कर्मचारियों की भांति नहीं। साथ ही हमारी ग्रेच्युटी छुट्टी अमाउंट में कोई बढ़ोतरी हुई है, ना मेडिकल फैसिलिटी में, ना ही 12, 24, 36 जो भी वहाँ वो नहीं हुआ है। साथ साथ इनके ऊपर कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ से हम हड़ताल कर रहे हैं। कल 12/12/2023 से हम हड़ताल पे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे ये हैं। पहली मांग हमारी, हमको जो 4 घंटे ड्यूटी है वर्तमान में वो हमको बढ़ा के हमको 8 घंटे ड्यूटी किया जाए। दूसरी मांग है हमारी, जो 12, 24, 36 जो मांग है वो भी पूर्ण किया जाए, जो ऑलरेडी कमलचंद्रा रिपोर्ट में वो लागू की गई है, पर हमको आज 4 साल से वो मांग को मंजूर नहीं दिया गया है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम पूरे गांव-गांव जाके डाक बांटते हैं और मतलब डाक का IPB का काम भी हम करते हैं, करोड़ों रुपए हम बांट रहे हैं और लोगों से हम संपर्क में हैं, घर घर जाके हम संपर्क कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार हमारी 4 साल से जो हमारी मांग थी वो आज भी नहीं सुन रही है। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, पूरे भारत में हड़ताल हो रही है। पूरे जिले में हम प्रभावित होंगे। हम पूरे जिले में 337 कर्मचारी हैं, उसमें से लगभग 90% लोग हमारे लोग हड़ताल पे हैं और 100% कल 100% हड़ताल पे हो जाएगा। उससे पूरा डाक व्यवस्था ठप हो रही है और हम चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा मांग पूर्ण की जाए। जब तक हमारी मांग पूर्ण नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे मैदान में। उत्तरी मांगों को लेकर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। 10 बजे आ जाते हैं और शाम को 4 बजे हम यहाँ बैठते हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद चावड़ा, संभागीय सचिव, AIJDU सेक्रेटरी वर्तमान में। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।